केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान सूबे के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी वीसी से जुड़े। इस दौरान खाचरियावास ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को मंत्री गडकरी के सामने रखा। खाचरियावास ने कहा कि कई राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाकर उनको घर तक पहुंचाए। खाचरियावास ने कहा कि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही है, विभाग टैक्स नहीं ले पा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से पैसा जारी करना चाहिए। देश का प्रवासी मजदूर परेशान है और आज मैंने भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करके कहा कि आप केंद्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, आपको प्रवासी जितने भी मजदूर है जो अलग अलग स्टेट में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए और पूरे देश में ट्रांसपोर्ट को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, मान लो एक स्टेट से कहीं दूसरी स्टेट में कोई आदमी अटका हुआ है, फंसा हुआ है, मजदूर है, स्टूडेंट है या कोई भी औरत है, आदमी है, कोई भी जो अटका हुआ है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अब स्टेट एक दूसरे से मदद मांगकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये सब मॉनिटरिंग भारत सरकार को करनी चाहिए। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप मॉनिटरिंग करो, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो फंसे हो वो जा सके, उनको कोई परेशानी हो तो परेशानी केंद्रीय मंत्री होने के नाते आप दूर करें। उस पर उन्होंने एग्री किया और उन्होंने मुझे कहा कि इसको लेकर मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम जल्दी से जल्दी उन्होंने डायरेक्शन दिए। मीटिंग में कहा हमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, हेल्पलाइन नंबर जिसमें जो लोग जहां अटके हुए हैं उनकी हम क्या परेशानी दूर कर सकते हैं सब परेशानी दूर करें। हमने उनसे ये भी कहा कि इस देश में लॉकडाउन होने के बाद ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, टैक्सेस ले नहीं पा रहे हैं, ऐसे में उनको बड़ी मदद करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से पैसा जारी करें। हमने उनसे बड़े पैसे की डिमांड की, उन्होंने कहा हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जो मदद हो सकती है हम राज्य सरकारों की करेंगे।